एवरीवन, मैं हिल्या और हिल्या ब्लॉग में आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ जो बॉलीवुड में अपने विवाद प्रतिक्रिया और विवाद बयानों की वजह से जानी जाती है और उन्हें फैंस इसी वजह से पसंद भी करते हैं। आप लोग समझ भी गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत की जो फिल्म अभी रिलीज होने जा रही है कल ही, पंगा, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। और अश्विनी अय्यर ने डिफरेंट करने का कोशिश किया है इस मूवी में, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी मैरी कॉम से मिलती जुलती नजर आ रही है। और फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, वो कल ही रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर काफी अच्छा है। और ट्रेलर में और पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि फिल्म कहीं ना कहीं नॉर्मल लोगों से जुड़ी हुई है, मतलब आप लोगों से जुड़ी हुई है ऐसा। और फिल्म की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। और मूवी काफी हास्यास्पद मूवी है, मतलब बहुत ही अच्छा मूवी है। अभी तक तो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर देख के ऐसा फील हो रहा है। ट्रेलर के शुरुआत में ही कबड्डी का एक सीन दिखाया जाता है जिस पे कि जया नाम लिखा हुआ है, कबड्डी का सीन दिखाया जाता है और उस पर टी शर्ट दिखाया जाता है जिस पर कि जया नाम दिखाया जाता है। जया कंगना रनौत का नाम है और उसके तुरंत बाद ही दिखाया जाता है कि वो वर्किंग वुमन है, मतलब कि जया, और वो नॉर्मल लाइफ बिताती है। और तभी उनको फील होता है कि मतलब कबड्डी प्लेयर को जानता ही कितना जन है आज, क्योंकि वो कबड्डी छोड़ चुकी है और उन्हें कोई भी याद नहीं रखता है। वो टॉप पे थी कबड्डी के, लेकिन फिर भी आज उन्हें कोई याद नहीं करता है और इसके लिए वो काफी मन खराब करके है। तभी उनके बेटे और जो जस्सी गिल नाम के, जस्सी गिल जो है उनके हस्बैंड बने हुए हैं इस मूवी में, वो उन्हें काफी प्रोत्साहन करते हैं कि वो फिर से कबड्डी को ज्वाइन करें। और इसी वजह से वो फिर से तैयार भी हो जाती है कि ठीक है, वो फिर से कबड्डी को ज्वाइन करेंगी। और मूवी में, पूरे मूवी में यहीं से कहानी स्टार्ट होता है कि वो किस तरह से एक नॉर्मल लाइफ से कबड्डी प्लेयर तक, मतलब कबड्डी प्लेयर मतलब कि टॉप तक वो जाना चाहती हैं, और यहीं से कहानी स्टार्ट होता है मूवी का। और पूरे कहानी में यही जद्दोजहद है कि मतलब वो किस तरीके से, कितने मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें रियल लाइफ में, क्योंकि वो घर में जब थी वर्किंग वुमन थी तो उनका कोई पहचान नहीं था, उन्हें कोई नहीं जानता था और इसी वजह से वो काफ़ी उदास थी। ना कि जो हस्बैंड है जस्सी गिल, वो भी अपने खूबसूरत एक्टिंग और सिंप्लिसिटी की वजह से सबका दिल जीत लेने वाले हैं मूवी में, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा किरदार है और एक इनकरेज हस्बैंड के हिसाब से, जैसा कि एक रियल लाइफ में भी होना बहुत जरूरी है। हस्बैंड में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं कंगना रनौत और इसी वजह से मूवी का नाम पंगा रखा गया है। और बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोग जरूर जाए इसे देखने, कल ही रिलीज होने वाली है। कुछ भी जीवन में कर पाना असंभव है किसी के लिए भी, या पत्नी के भी सहयोग के बिना पति का कुछ कर पाना असंभव है। कबड्डी के वापसी से उनके जीवन में कितना उथल पुथल मच जाता है, यही सब मूवी में दिखाया है। 24 जनवरी को रिलीज होने वाली मूवी ये है। ये पंगा और अश्विनी अय्यर ने अपना 100% इस मूवी में देने का कोशिश किया है और किए दिए भी है, लेकिन उनके बीच में 24 जनवरी को ही स्ट्रीट डांस 3D भी रिलीज हो रहा है, तो इस वजह से पंगा मार खाने वाला है, क्योंकि वो भी काफी कॉमेडी पिक्चर है और बहुत ही अच्छा मूवी है वो भी। तो इस वजह से पंगा मूवी में कंगना रनौत ने जीवन से पंगा ले लिया है और यही, इसी वजह से मूवी का नाम पंगा रखा गया है। और पंगा में मुख्य, और मूवी कहीं ना कहीं नॉर्मल लोगों से जुड़ी हुई है, इसलिए सबको जाना चाहिए ये मूवी देखने, काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, मेरा मूवी यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।